टाइम्स ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से अब्दुल रहीम बात कर रहा हूँ, और इस टाइम पे लोग रियाज़ुल जन्ना से नवाफिल पढ़ के बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहाँ पे जो है नवाफिल आज़ाद की उन्होंने और दुआएं की, और उन्होंने जो है 15 से 22 मीटर की हदूद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और रोज़ा मुबारक के दरमियान में 15 से 22 किलोमीटर का जो रकबा है, रकबे के अंदर जो है वो रियाज़ुल जन्नत कहलाता है। रियाज़ुल जन्नत की जो वहाँ पे जाके आप नवाफिल पढ़ सकते हैं, वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, और नमाज से मुराद मतलब नवाफिल और फ़र्ज भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद रात में भी पढ़ सकते हैं, और आप वहाँ जाके दुआएँ कर सकते हैं, वहाँ जाके जो है आप तौबा कर सकते हैं, सफ़ात पढ़ सकते हैं, और आप वहाँ पर दीगर किस्म के वर्द कर सकते हैं, और ये सब आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग जो है रियाज़ुल जन्नत से इबादत करके निकल रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं अभी भी लोगों का आना सिलसिला जारी है आने का, और ये इस वक्त हम मदीने में खड़े हैं, मदीना में रियाज़ुल जन्नत में खड़े हैं, और ये सब कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे से आ रहे हैं, रियाज़ुल जन्नत से वापस आ रहे हैं, रियाज़ुल जन्नत से इबादत करके। जनाब आप ये देख सकते हैं कि लोग रियाज़ुल जन्नत से इबादत करके बाहर आ रहे हैं, और बड़ी तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं, और वो आप दूर से देख सकते हैं कि वहाँ पर लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, वो रियाज़ुल जन्नत में जाने की तैयारी कर रहे हैं ऐसा ऐसा, और वहाँ पर जाके जो है फिर वो अपनी इबादत करेंगे, अपनी दुआएँ करेंगे, और रियाज़ुल जन्नत के रकबे के अंदर वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिंबर के रकबे में तकरीबन जो है 15 से 22 मीटर का की हदूद है, उस हदूद के अंदर जाके वो सब इबादत करते हैं और वो दुआएं करते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग वहाँ से बाहर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, और लोगों ने वहाँ पर इबादत की, लोगों ने अल्लाह ताला के कलाम पाक पढ़ा, और वहाँ पर जाके दुआएँ की, इस्तिग़फ़ार पढ़ा, लोगों ने दुआएँ करने के साथ साथ जो है फिर उसके बाद जो है हमारा वक्त पूरा हो गया तो हम बाहर आ गए। ये रियाज़ुल जन्नत से वापस आने रियाज़ुल जन्नत से बहुत सारे लोग ज़ियारत करके इबादत करके अल्हम्दुलिल्लाह नवाफिल पढ़ के ये सब निकल रहे हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे रियाज़ुल जन्नत में से निकल रहे हैं, और इन सब ने इबादत की, और इन सब ने जो है अल्लाह ताला के कलाम पाक पढ़े। रियाज़ुल जन्नत जो कि जन्नत का टुकड़ा कहलाता है, उसे वहाँ पर जाके सब कुछ पढ़ा, और उसके बाद और ये सब आप देख रहे हैं कि लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं, नवाफिल पढ़ के कुछ लोग तहज्जुद पढ़ रहे थे, मैंने तहज्जुद वहाँ पे पढ़ी, और ये लोग वहाँ से बाहर आ रहे हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं।